गाइस वेलकम टू माय चैनल इजी नीटिंग क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और राखी का वीडियो। इससे पहले भी मैंने मेरे चैनल पे और भी कई राखी के वीडियोस डाले हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं अगर आपने अब तक वो नहीं देखे हैं तो। और मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, आपको मिल जाएंगे और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। फ्रेंड्स बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है, बिल्कुल कोई भी नहीं कह सकता है कि ये राखी हमने हाथों से अपने घर पर बनाई है, और वो भी वेस्टेज ही समझ लीजिए, ये मोती और ऊन से बनाई है। इसमें कोई ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, बहुत कम खर्चे में ये राखी बन जाती है। मुश्किल से 2 रुपये का खर्चा आएगा इस राखी में, धागा भी बहुत थोड़ा सा लगेगा। आप चाहें तो इसे थ्रेड से भी बना सकते हैं, सिल्क के थ्रेड से भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है। मैं आपको अपने हाथ पर लगा के दिखा देती हूँ, ये देखिए। और गाइज़ आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है राखी की, तो जो आपको लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी राखियाँ बताई हुई हैं मैंने अपने चैनल पे। आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि इसको किस तरह से बनाना है, ये देखिए। तो गाइज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये राखी का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है। सो गाइस, इस राखी को बनाने के लिए यहाँ पे हमें 2 कलर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं यहाँ पे इस राखी को 2 कलर्स में बना रही हूँ, आप चाहे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा लाइट ब्लू और पिंक, डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन लिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट कलर से वर्क करेंगे, कोई भी कलर हम पहले ले सकते हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम देखिए फिंगर में धागा लपेट लेंगे, और इस तरह से देखिए इसके ऊपर हम क्रोशेट हुक रखेंगे। अच्छा देखिए, क्रोशेट हुक मैंने जो है 2.5 mm का लिया है, ये देखिए इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे हम ये एक चेन ले लेंगे, ये देखिए नॉट लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम 4 चेन्स लेंगे, 5 चेन्स लेंगे, 2, 3, 4, 5, देखिए ठीक है, 5 चेन्स हमने ले ली हैं यहाँ पे। इसके बाद इसको हम जो फर्स्ट वाली चेन थी इसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए एक सर्कल बन के आ गया है। अब हम यहाँ पे देखिए एक चेन ले लेंगे, 1, ठीक है। इसके बाद इस सर्कल में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। एक चेन लेने के बाद इस धागे को पकड़ लेंगे इस तरह से, एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम यहाँ पे डबल हाफ क्रोशिया करेंगे 2 बार, ये देखिए 1, एक बार और करेंगे, सॉरी ये देखिए 2। अब हम यहाँ पे 2 टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए 1, ठीक है। इसके बाद हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा करके यहाँ पे इस तरह से छोड़ देंगे। अब इसी सर्कल में हम सेकेंड कलर ऐड करेंगे अपना, ठीक है। अब देखिए ये सेकेंड कलर मैंने यहाँ पे ये वाला लिया है, तो पहले तो मैं यहाँ पे एक नॉट बना लेती हूँ, ये देखिए इस तरह से। फिर हम फिंगर में लपेट लेंगे, ये देखिए इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे हमने यहाँ पे लिया है ये बुनाई की है, देखिए इस तरह से जैसे हमने ये बुना है, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी बनाएंगे। एक तो हम ले लेंगे यहाँ चेन, ठीक है, इस धागे को हम टाइट कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है, ये देखिए इसको थोड़ा इधर कर लेंगे। 2 बार डबल हाफ क्रोशिया करेंगे, 1, 2। अब 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए 1, एक बार और
टू, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। सबसे पहले तो इन दो धागों को हम आपस में बांध देंगे। देखिए ये दो धागे जो निकले हुए हैं जो जॉइंट पर थे, इनको आपस में बांध के यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि ये बार बार उलझेंगे फिर हमारे जब हम क्रोचेट आगे बुनाई करेंगे तो। ठीक है, पहले मैं इनको हटा देती हूँ, यहाँ से कट कर देती हूँ। ये देखिए, इसके बाद हम सफाई से काम करेंगे। ये देखिए मैंने इन दोनों धागों को कट कर दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे अभी वर्क किया था, ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे छोड़ेंगे, अब हम इसको यहाँ पे पकड़ेंगे। ये देखिए, ओके, अब देखिए करना क्या है, ये हमने जितने भी चेन्स लिए हैं 1 2 3, ये जितने भी चेन्स हैं इनमें हमें डबल क्रोशिया करना है। लेकिन देखिए यहाँ से हमें पीछे वाला चेन उठाना है, ये वाला, ठीक है, ये दोनों नहीं उठाने, ये वाला उठाना है। देखिए अब इसमें हमें दो बार डबल क्रोशिया करना है, एक बार कर लिया, अब सेम स्पेस में से हमें एक बार और डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट चेन है ये देखिए यहाँ पे, इसमें पूरे में नहीं लेना, पीछे वाला धागा उठाना है इस तरह से, और दो बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2, ठीक है, अगेन नेक्स्ट में से भी दो बार डबल क्रोशिया करना है, इसको हम इधर कर लेंगे थोड़ा, 1 2, अब नेक्स्ट वाले में से दो बार, 1 2, अब देखिए यहाँ पे इसका हमने एंड किया अपने वर्क का, अब हम इसमें से वर्क करेंगे। ठीक है, ये जो चेन्स हैं जितने भी, इनमें से हमें इस तरह से, देखिए ये जो चेन दिख रहा है आपको, इसमें से डबल डबल क्रोशिया करना है, एक चेन में से दो बार, एक बार किया सेम स्पेस में से एक बार और करेंगे। ये देखिए, ठीक है, सेम नेक्स्ट वाले में से दो बार करेंगे, देखिए इस तरह से, नेक्स्ट चेन में से भी दो बार करेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है, नेक्स्ट में से दो बार करेंगे, देखिए 1 2, इसमें से भी दो बार, 1 2, ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे। ठीक है, अब हम इस वाले धागे से वर्क करेंगे। ये देखिए फिंगर में धागा लपेट लेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है, बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि फिंगर में धागा लपेटना होता है। ये देखिए इसको थोड़ा सा हम लंबा खींच देंगे, जिससे कि ये इस तरह से, जैसे हमने यहाँ इसके ऊपर किया था, देखिए इसके ऊपर सेम इस पर भी रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ जो चेन दिख रही है आपको, इसके ऊपर दो बार डबल क्रोशिया, 1, सेम स्पेस में से एक बार और, अब नेक्स्ट में से दो बार, देखिए 1, फिर सेम स्पेस में से एक बार और, 2, इसमें से दो बार, 1 2, नेक्स्ट में से दो बार, 1 2, इस तरह से, देखिए। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको इतना ही बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है, साइज में, यहाँ से और यहाँ से आप चेन बना लें इस तरह से, और सेम यहाँ से चेन बना लें। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा एक राउंड और लगाऊंगी साइज थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। देखिए सेम स्पेस में से एक बार और,
यहाँ तक मैं बनाते हुए आऊंगी इसको। ये देखिए अब हम इससे वर्क करेंगे। सबसे पहला स्टेप फिंगर में धागा लपेटना है। ये देखिए अब यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। ये देखिए चेन दिख रही है ये वाली। इसके बाद इसमें से सेम स्पेस में से दो बार नेक्स्ट चेन में दो बार, हर चेन में दो बार ही निकालना है हमें, क्योंकि दो बार निकालेंगे तभी ये हमारे पास फ्लैट सर्कल की तरह बनेगा, अदरवाइज ये हमारा टाइट हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए इस तरह से, ठीक है। दो बार और निकालेंगे बस हम। ये देखिए हमने यहाँ पे इतना बना लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इतना बनाने के बाद चेन बना लेंगे इसमें धागे को टाई करने के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको जितना लंबा चाहे उतना लंबा चेन बना लीजिए। काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में जितना लंबा बन जाए आप उतना लंबा इसको चेन बना लीजिए। ये देखिए आई थिंक इतना सफिशियंट रहेगा। ये देखिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये देखिए अब धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिए यहां से हमने धागे को कट कर दिया। ठीक है ये डोरी बन गई। अब सेम डोरी यहां से भी हम बना लेंगे। ये देखिए यहां पे हम देख लेंगे इसका और इसका ये सेंटर है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए ये सेंटर है। ये देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करके देख लेंगे। देखिए ये इसका सेंटर पार्ट है। अब हम इधर चेन बना देंगे फिर से इस धागे से। ये देखिए इस तरह से। सेम जितना लंबा चेन हमने इधर बनाया उतना ही लंबा चेन बनाएंगे। ये देखिए धागे को कट कर देंगे। ये देखिए तो अब हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत सी बहुत ही सुंदर सी राखी बन गई है। ये देखिए यहाँ पे आप अपने हाथ पे लगा के देख लीजिए इसको। ये देखिए गाइस कितनी प्यारी राखी बनी है। ये मार्केट में भी आपको इतनी अच्छी राखी नहीं मिलेगी। हैंडमेड राखियाँ तो वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं अपने हाथ से बनाई हुई। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा बीड्स वगैरह टक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से मोती ले लिए हैं और देखिए एक तरफ ये मोती मैंने फंसा दिए हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखा देती हूँ। ये देखिए इसी तरह से मैं एक एक करके तीनों मोती इसमें डाल लूंगी। तीन चार एक दो, आप जितना इसमें डालना चाहो उतना मोती लगा सकते हो
और नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ये देखिए गाइस, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है ये। इस तरह से हमने ये मोती डाल लिए, इसके बाद हम एक पर्ल सेंटर में लगा देंगे। अब देखिए इस तरह से मैंने सुई धागा ले लिया और यहाँ सेंटर में मैं इस मोती को टक कर दूंगी। आप इसको ग्लू से चिपका भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टक कर रही हूँ। ये देखिए देखिए गाइस कितनी खूबसूरत राखी बनके तैयार हुई है। इसको हम अपने हाथों पे देखिए इस तरह से टाई करेंगे। देखिए कैसे भी हम किस तरफ से भी लगा सकते हैं। ये देखिए गाइस, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये राखी बनाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय से और सबसे पहले मिलते रहें। और हाँ, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये राखी का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कॉमेंट में लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।